इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। मैं हूं अक्षय चव्हाण और आज हम जानेंगे बांसवाड़ा रियासत की कहानी। बांसवाड़ा जो दक्षिणी राजस्थान में स्थित है, वो राजस्थान के सबसे खूबसूरत रीजन्स में से एक है। अब जब हम मेंटली राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने विजुअल्स आते हैं कि थार का रेगिस्तान, ऊंट और वो पधारो मारे देश, और ऐसे इमेजरी आती है। बट बांसवाड़ा अगर आप देखें तो राजस्थान के इस जनरल इमेज से बिल्कुल अलग है। ये पहाड़ों से घिरा हुआ एरिया है, बिल्कुल ग्रीन है। यहाँ से माही नदी गुजरती है और इसे द लैंड ऑफ द थाउजेंड आइलैंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि माही नदी पर काफ़ी द्वीप है और यहाँ पर लेक्स भी काफ़ी सारे हैं। तो अगर आप इस पूरी क्षेत्र का ड्रोन फुटेज देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि आप भारत में है ही नहीं, आप अमेज़न के किसी जंगलों में हैं या अफ्रीका के किसी जंगलों, घने जंगलों में हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है। बांसवाड़ा का जो इलाका है वो हिस्टोरिकली वागड़ रीजन कहा जाता था, जो आज का बांसवाड़ा और डूंगरपुर और कुशालगढ़, ये पूरा सारा जो क्षेत्र है उसे वागड़ कहा जाता था। और ये राजस्थान और उत्तरी गुजरात के बॉर्डर वाला रीजन था। इसके उत्तर में ही मेवाड़ का राज्य था, जो जहाँ पे जो चित्तौर के राजा वहाँ पर शासन किया करते थे। जैसे मैंने आपको बाकी कई रियासतों के एपिसोड्स में बताया कि जो प्राचीन भारत है और मध्ययुगीन भारत का जो पहला काल है, तो वहाँ पर जो भारत में दो बड़े जंगल ट्रैक्ट्स हुआ करते थे। एक तो था जो दंडकारण्य फॉरेस्ट था, जो बंगाल की सीमा से लेकर तेलंगाना तक फैला हुआ था, जहाँ पर ज़्यादातर गोंड राजा शासन किया करते थे। और एक दूसरा बेल्ट था जो था जो ठाणे जिला है महाराष्ट्र का, वहाँ से लेकर अलवर तक, और यहाँ पर भील और मीना राजाओं का शासन था। अब अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो हमें बहुत कम हिस्टोरिक रेफरेंसेस मिलते हैं इन भील और मीना राजाओं के, उनके रूलिंग सिस्टम्स कैसे थे एंड ऑल। इनफैक्ट काफ़ी लोग तो डिसमिस करते कि नहीं, ये तो चीफ्टन्स थे, ये तो राजा नहीं थे, ऐसे कबीले के ये छोटे से सरदार थे और गांव के राजा थे एंड ऑल। बट टू बी फेयर, हमें पता नहीं है हमें, और ज़रूरत ये है कि जो इतिहासकार है वो और जो राजस्थान पर इतिहास करते हैं वो जो प्रिंसली स्टेट्स है उससे परे जाकर इन भील और मीना राजाओं के इतिहास को भी उजागर करने की बहुत ज़रूरत है। बांसवाड़ा जो क्षेत्र है उसका जो नाम है बांसवाड़ा, तो उसकी दो कहानियां हैं। एक तो ये है कि यहाँ पर बांस या बैम्बू के जंगल्स हुआ करते थे, इसलिए इस पूरे क्षेत्र को बांसवाड़ा कहा जाता है। और दूसरा जो एक कहानी है वो ये है कि यहाँ पर बांसिया भील करके राजा हुआ करते थे, जिनके अंडर ये पूरा इलाका आता था, और उन्हीं के नाम से इस एरिया को बांसवाड़ा कहा जाने लगा। अब ये जो वागड़ का जो क्षेत्र है जो मेवाड़ की दक्षिण में है, तो उसकी जो कहानी शुरू होती है, जैसे हम देखते हैं कि अराउंड 11वीं 12वीं शताब्दी में ये जो सारे जो भील और मीना राज्य, जो एक समय भील और मीना राज्य हुआ करते थे, आप अलवर देखिए, आप जो जयपुर का राजा है, आमेर का राजा है देखिए, या कोटा बूंदी और वो देखिए, या काफ़ी, तो ये सारे अब
यहाँ पर राजपूत राजाओं के राज शुरू होने लगे। तो ये जो वागड़ का जो राज्य है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का, वो वहाँ पर सिसोदिया राजवंश का राज अराउंड 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ। यहाँ के जो शासक थे वो जो मेवाड़ रॉयल फैमिली है, उदयपुर का राज परिवार, उसी का एक ब्रांच था। और यहाँ पर जो राजा थे उन्हें महारावल या रावल या महारावल कहा जाता था। अब बात आती है एंड ऑफ द 15th सेंचुरी, मतलब 1490s की बात है। तब इस वागड़ के महारावल थे महारावल उदय सिंह। अब ये वही समय था जब दिल्ली में लोदी, इब्राहिम खान लोदी की सत्ता थी। दिस इज द लास्ट डेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत हम कह सकते हैं। और बाबर आए, पानीपत की पहली लड़ाई में उन्होंने लोदियों को हराया और एक अपना उत्तर भारत पर, दिल्ली आगरा एंड ऑल पर अपना कब्जा बनाया। तो जब बाबर हिंदुस्तान में आए तो जो महाराणा मेवाड़ के जो महाराणा थे, जो चित्तौड़ के शासक, वो थे राणा सांघा। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम जितने भी यहाँ के लोकल राजा है उनकी सारी ताकत, मतलब जोधपुर से लेकर सारे, मतलब जो चंदेरी तक और ग्वालियर तक, ये सारे जो हमारे लोकल राजाज हैं उनका एक कॉन्फेडरेसी बनाएंगे और हम सब मिलकर जो आक्रमण करता है या जो फॉरेन इन्वेजन है उसका सामना करेंगे। तो उन्होंने बहुत बड़ी अपनी फौज बनाई और 1527 में खानवा की लड़ाई हुई। खानवा जो भरतपुर के पास है, उसमें जो बांसवाड़ा के महारावल है उदय सिंह, वो भी लड़े। और वो बाबर की फौज से जो राजपूत फौज थी वो कई गुना बड़ी थी। बट प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी। बाबर के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी और गन पाउडर था। तो कैनन्स, गन पाउडर, मस्केट्स का इस्तेमाल करके जो राजपूत कॉन्फेडरेसी है उसकी बड़ी हार हुई और महारावल उदय सिंह उसमें मारे गए। जब महारावल उदय सिंह का निधन हो गया तब उनका जो वागड़ का राज्य है वो, उनके दो बेटे थे पृथ्वीराज सिंह और जगमल सिंह। तो पृथ्वीराज सिंह को डूंगरपुर, मतलब माही, एंड माही नदी वॉज द बॉर्डर। तो माही नदी के जो उस साइड का, जो उत्तरी साइड का जो पार्ट था वो प्रिंसली स्टेट ऑफ डूंगरपुर बना 1947 तक वो रहा। और जो माही नदी के ईस्ट का पार्ट था वो बांसवाड़ा, जो उनके छोटे बेटे जगमल सिंह को मिला। तो मान्यता के अनुसार इन्हीं जगमल सिंह ने, जो इस क्षेत्र के जो राजा थे बासिया भील, उसकी हत्या करके ये पूरा जो क्षेत्र है वो अपने कब्जे में ले लिया। और इसी से जो बांसवाड़ा रियासत है उसकी शुरुआत हुई। फिर ये अब 1527 से आगे चल के 50 साल आगे की बात है, 1577 में, जब बादशाह अकबर पूरे राजस्थान के जितने भी शासक हैं उन्हें जो मुगल साम्राज्य के अधीन कर रहे थे, तो उसी तरह से जो बांसवाड़ा का राजा है उसने भी जो मुगल सुजरेनिटी है और जो मुख्तियारी है मुगलों की, उसे कबूल की। पर टू बी फेयर टू द रूलर्स ऑफ बांसवाड़ा, वो सीक्रेटली, जो महाराणा प्रताप है जो इसी जंगल ट्रैक्ट जो बांसवाड़ा को बॉर्डर करता है, उसमें से गुरिल्ला वॉरफेयर बादशाह अकबर के खिलाफ कर रहे थे, तो उन्होंने सीक्रेटली महाराणा प्रताप को भी मदद की। पर आगे चल के जो मेवाड़ के साथ है वो बांसवाड़ा के काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, बिकॉज जो मेवाड़ है वो इस क्षेत्र पर अपनी मुख्तियारी और अपनी पावर जमाए रखना चाहता था और जो बांसवाड़ा है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। तो उनकी जो मेवाड़ के साथ झड़पें होती रहती थी, बट बिकॉज ये एक जंगल ट्रैक्ट था और उसका इतना, बाकी रियासतों की तरह जैसे कोटा, बूंदी या इवन जयपुर की तरह एक स्ट्रेटिजिक लोकेशन नहीं था, तो मुगलों ने बांसवाड़ा को अकेला छोड़ दिया।
और उन्हें सिर्फ जो एनुअल उन्हें जो लगान मिलता था, आई मीन दे वर हैप्पी विथ इट। तो यही सिस्टम 18वीं शताब्दी तक चलता रहा। पर क्या हुआ कि सन 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब के निधन के बाद मुगल साम्राज्य टूटने लगा, और 1720s में जो मराठा पेशवा बाजीराव है, हु वॉज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट जनरल इन इंडिया एट द टाइम, उनके अंडर जो मराठा फौजों है उन्होंने मालवा और गुजरात पर कब्जा कर लिया, और अब ये बांसवाड़ा के बॉर्डर तक पहुंच गए मराठे। तो तब जो अगेन यू नो जो मराठे थे उन्हें, बिकॉज ये एक जंगल एरिया था, उन्हें उतना इंटरेस्ट नहीं था बांसवाड़ा में, उन्हें सिर्फ लगान चाहिए था। तो उनका जो बांसवाड़ा के जो महारावल है उनका और पेशवा बाजीराव का एक सेटलमेंट हुआ कि जो बांसवाड़ा का जो लगान है, जो एनुअल चौथ या ट्रिब्यूट जो बांसवाड़ा दिया करती, मतलब जो अग्री किया था उन्होंने मराठों को देने के लिए, वो 50% जाएगा इंदौर के होलकर को और 50% जाएगा धार के पवार को। और ये सिस्टम आगे कंटिन्यू हुआ। फिर कभी कभी पूरा लगान जो धार के पवार है उन्हें जाता था, या फिर कभी कभी पूरा होलकर ले लेते थे। बट 1818 तक जो बांसवाड़ा है, इट वॉज अ ट्रिब्यूटरी स्टेट टू द मराठा एम्पायर। अनफॉर्चुनेटली जो 19वीं शताब्दी है उसके शुरुआत में अगर आप देखें तो पूरा जो आज का जो मध्य प्रदेश का इलाका है और छत्तीसगढ़ का इलाका है और बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ राजस्थान एंड ऑल, वहाँ पर एक लुटेरों के गैंग्स हुआ करते थे जिन्हें पिंडारी कहा जाता था। और ये नॉन स्टेट एक्टर्स हम बोल सकते हैं कि जैसे कि किसी राजा को अपने शत्रु राजा का राज्य में तबाही फैलानी है तो वो इन पिंडारीज को यू नो पैसा देते थे और बोलते थे कि आप जाओ और वहाँ पर लूटपाट करके आओ, या यू सी इट वाज देवर लाइक कॉन्ट्रैक्चुअल मर्सनरीज, या जो बोलते हैं हम सुपारी देना, समथिंग लाइक दैट। तो बांसवाड़ा में भी काफ़ी जो पिंडारी है उनका उपद्रव हुआ, और उससे बचने के लिए और जब यू नो मराठे, इनफैक्ट मराठे तो पिंडारियों से मिले हुए थे, तो उससे बचने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बांसवाड़ा ने एक ट्रीटी की कि उन्होंने कहा कि देखिए हम आपके अंडर आते हैं पर इन पिंडारी लुटेरियों से आप हमें सुरक्षित रखिए। तो 1818 में बांसवाड़ा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक ट्रीटी की जिसके तहत इट बिकेम अ ट्रिब्यूटरी स्टेट और अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। उसके बाद जो बांसवाड़ा के जो महारावल है उनके और अंग्रेज़ों के अच्छे संबंध रहे। इनफैक्ट 1857 में जब विद्रोह हुआ था भारत में, तब जो भील थे, जो राजपिपला के भील हैं और संतरामपुर के कई क्षेत्र हैं, गोधरा पंचमहल का जो गुजरात का इलाका है वहाँ पर काफ़ी भील है, उन्होंने रिवोल्ट किए। पर बांसवाड़ा के जो महारावल थे वो अंग्रेज़ों के साथ लॉयल रहे। हमें ये भी रेफरेंस मिलता है कि जो तात्या तोपे है वो उन्होंने बांसवाड़ा में एंटर करने की कोशिश की, बट जो बांसवाड़ा की फौज थी उन्होंने उन्हें खदेड़ दिया। बांसवाड़ा रियासत के इतिहास का एक काला अध्याय है मानगढ़ नरसंहार, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। ये हुआ था मानगढ़ करके एक पहाड़ है जो बांसवाड़ा और संतरामपुर रियासत की बॉर्डर पर बांसवाड़ा के अंदर आता है। वहाँ पर 1913 में, मतलब जलियांवाला बाग के 6 साल पहले, एक यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो भील प्रोटेस्टर्स हैं उनका नरसंहार हुआ था। अनफॉर्चुनेटली और सरप्राइजिंगली, जहाँ पर हम जलियांवाला बाग नरसंहार की कहानी जानते हैं, इस मानगढ़ नरसंहार के बारे में भारत में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। तो क्या थी मानगढ़ नरसंहार की कहानी? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और ये जो पूरा इलाका है ये मोस्टली भील एरिया है, और 1899 में जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, गुजरात और राजस्थान एंड ऑल, वहाँ पर बहुत एक हॉरिफिक अकाल आया था। और
ऑलमोस्ट 6 लाख लोग मर गए थे, और ये जो भील कम्युनिटी है उस पर सबसे ज़्यादा, मतलब एक बिकॉज़ वैसे भी वो गरीब थे और इतने इतने ये रीजन्स डेवलप नहीं थे, तो वहाँ पर एक बहुत हॉरिफिक, उन पर बहुत बुरा असर उस पे पड़ा। तब गोविंद गिरी या गोविंद गुरु भी कहा जाता है जिन्हें गुजरात में, तो ये जो गोविंद गिरी थे वो एक सोशल रिफॉर्मर थे। एक ओरिजिनली ही वो एक बॉन्डेड लेबरर थे, फिर आगे चल के एक यू नो एक रिलीजियस फिगर बने भील लोगों के लिए, और उन्होंने एक भगत मूवमेंट या एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चलाया भीलों के बीच में, कि वो एक उस कम्युनिटी को एक सुधारेंगे, उसकी सोशल प्रैक्टिसेस को सुधारेंगे। तब क्या हुआ कि ये जो भगत मूवमेंट है और ये जो गोविंद गुरु और उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी ताकत काफ़ी बढ़ने लगी, बिकॉज़ भीलों में एक चेतना बढ़ी अपने राइट्स के बारे में, अपने अवेयरनेस के बारे में, वो ऑर्गेनाइज होने लगे। और इसकी वजह से जो बांसवाड़ा के जो महारावल थे शंभू सिंह, और प्लस डूंगरपुर के राजा, संतरामपुर के राजा, उनमें एक नर्वसनेस हो गया कि अब क्या, यू नो, क्या ये लोग विद्रोह करेंगे। और इनफैक्ट ये 1913 तक तो एक वो काफ़ी पावरफुल मूवमेंट अपने आप में एक बन चुका था, अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए। और ये भगत मूवमेंट और उसके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने जो महारावल शंभू सिंह हैं उन्हें एक लेटर भी भेजा था, डिमांड फॉर द राइट्स ऑफ द भील कम्युनिटी। तो उसकी वजह से ये पूरे इलाके में एक अलार्म फैल गया कि ये जो भील हैं वो काफ़ी ताकतवर हो रहे हैं और कुछ हमें करना पड़ेगा। तो बांसवाड़ा रियासत, डूंगरपुर रियासत, संतरामपुर रियासत और इवन उदयपुर, इन सारी रियासतों ने अंग्रेज़ों से मदद मांगी। और 1913 में कर्नल सेफ्टन करके के अंडर एक ब्रिटिश जो ट्रूप्स थे, अलोंग विथ जो बांसवाड़ा की अपनी फौज थी और संतरामपुर की फौज, इन सब ने इन इस भील मूवमेंट को ख़त्म करने का निश्चय किया। अब गोविंद गुरु और उनके जो भील समर्थक थे उन्होंने अपना जो आंदोलन है वो जारी रखा, और 13 नवंबर 1913 में एक उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक बहुत बड़ा हवन या धुनी जिसे बोलते हैं, एक रिलीजियस फेस्टिवल, एक रिलीजियस फेयर हम करेंगे मानगढ़ धाम पर, उस पहाड़ पर, और एक रिलीजियस सारे हम भीलों को इकट्ठा करेंगे। और इस रिलीजियस फेस्टिवल के लिए ऑलमोस्ट 1 लाख भील पूरे जो एरिया है वहाँ से आने लगे, और वो सारे इस मानगढ़ हिल पर आकर बस गए, कैंप्स उनके लगे थे, पॉलिटिकल स्पीचेस उनकी चल रही थी एंड ऑल। तो तब जैसे मैंने बोला कि कर्नल सेफ्टन और जो बांसवाड़ा की फ़ौज है और संतरामपुर डूंगरपुर की फ़ौज एंड ऑल, उन्होंने इस मानगढ़ हिल को पूरी चारों तरफ से घेर लिया, और उन्होंने कहा कि ये जो भगत मूवमेंट है और उनके लीडर्स हैं उन्हें अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा, और सारे भीलों को डिस्पर्स होना पड़ेगा। पर जो लीडर्स ऑफ द मूवमेंट थे उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे और हम डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं हो जाती, और एक काफ़ी टेंशन की स्थिति बन गई। तो अराउंड 15 नवंबर के करीब जो कर्नल सेफ्टन और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स और जो बांसवाड़ा की आर्मी है, उन्होंने क्या किया कि जो मानगढ़ हिल के जो आसपास के जो हिल्स थे वहाँ पर उन्होंने अपने गन्स लगा दिए, और वहाँ से मानगढ़ पर वो बॉम्बार्डमेंट करने लगे। नॉट ओनली दिस, हमें ये भी रेफरेंसेस मिलते हैं कि जब ऑब्वियसली काफ़ी लोग उसमें मारे गए, पर ये भी हमें रेफरेंस मिलता है कि उन्होंने गधों पर ऑटोमेटिक मशीन गन्स लगाए और सेल्फ जो फायर हो रही थी, और उनको जो भील पब्लिक है उसमें उन्होंने छोड़ दिया। तो काफ़ी जो मौतें उसमें हुई,
अब ये जो मानगढ़ जो नरसंहार है उसके ऑफिशियल एस्टिमेट्स तो हैं कि 130 लोग मारे गए। अनऑफिशियल एस्टिमेट्स जो ओरल ट्रेडिशन है भी लोगों की, उसमें कहते हैं कि अराउंड 1,000 के करीब भील इसमें मारे गए। अब अनफॉर्चुनेटली हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हो गया था, बिकॉज़ ये पूरा जो इंसिडेंट है उसे दबा दिया गया, और जो गोविंद गुरु थे उन्हें जेल भेजा गया। फिर 1919 तक वो जेल में रहे, उसके बाद 1931 में उनका निधन हो गया। और अनफॉर्चुनेटली ये जो पूरा जो भगत मूवमेंट है वो दब गया। उसके बाद 1947 में जो बांसवाड़ा रियासत है वो राजस्थान का हिस्सा बनी। थैंकफुली जो राजस्थान सरकार है उसने इस मानगढ़ नरसंहार का जो स्थल है वहाँ पर उन्होंने एक मेमोरियल बनाया है, जो गुजरात में एक गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी करके भी है, उनकी यादें भी है। बांसवाड़ा है वो आज एक, आई मीन इवन दो राजस्थान का सबसे खूबसूरत इलाका है, यहाँ पर फेमस त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर भी है, बट अनफॉर्चुनेटली इतने टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आते हैं। इनफैक्ट कंपेयर टू इवन डूंगरपुर काफ़ी टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, पर बांसवाड़ा में इतने नहीं आते हैं। तो आशा यही है कि जो बांसवाड़ा की जो नेचुरल ब्यूटी है उसे देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे। तो ये थी कहानी बांसवाड़ा रियासत की।